तो दोस्तों नाइट में अभी पहुंच रहे हैं हम लोग उज्जैन। ये देख सकते हैं रेलवे स्टेशन उज्जैन का। और ये हम लोग बहुत टाइम लग गया पहुंचते पहुंचते यार। देखो ये देख सकते हैं, ये है उज्जैन सिटी। ये नाइट हो गया यार। ये देख सकते हैं टैक्सी वगैरह देख रहे हैं रूम के लिए। ये कुछ ऐसा माहौल है अभी नाइट में। कुछ यहाँ की जो सुंदरता नाइट में कैसा दिखता है उसको आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ की रौनकता आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक शिवलिंग बनाया गया है और साथ में बारिश का देखो पानी का फुहारा जैसे चल रहा है। ये देखो ये एक होटल वगैरह है यहाँ पे बड़ा बड़ा। और ये देखो बाबा भोलेनाथ। और यहाँ का देखो इस कुछ इस तरह ऐसा नाइट का व्यू रहता है यहाँ का। ये देखो यहाँ भी। और ये देखो खासियत यहाँ की मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो नाइट में इतना सारा पैरोट एक साथ, मतलब तोता। देखो बहुत सारा यार भाई, सारा आप लोगों को बहुत सारा है यार। क्या तोता पकड़ना है? नहीं 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 पकड़ना भैया, देख रहा हूँ मेरे घर में ही है, बहुत सारा है यहाँ तोता। ये उज्जैन में तोता हर पीपल के चटनी पकड़े ऐसा। अरे ये खासियत है देखो। हाँ हाँ देखो ना क्या उज्जैन के धरती में, हाँ महाकाल के धरती में, हाँ तोता तोता, हाँ तोता जो बात करता, हाँ वही उज्जैन की धरती की बात होता है ऐसा। अरे बात हाँ होता, बोलने वाला अलग रहता, हाँ लेकिन डुप्लीकेट भी तोता रहता है। मैं इसी को देख के आया भैया। देखो ना ये खासियत है यहाँ की। अगर देखो ये खासियत है यार यहाँ की, चारों तरफ आप देखेंगे ना तो पूरा तोता, मतलब मिट्ठू बोल सकते, हमारे सीजी में मिट्ठू बोलते हैं, पैरोट मतलब इंग्लिश में। यहाँ से लेकर ना उसमें सभी में बैठे हैं, इसमें भी पूरा बैठे हैं यार। ये खासियत है देखो। यहाँ भी है पूरा सब दिख रहा है। ये देखो ये सब बैठा है। ये हम देखो ये खासियत है यहाँ का, काल्पी नगरी उज्जैन का। ये देखो यार कहीं भी देख सकते हो बाबर। ये होती है यहाँ की श्रद्धा भाव भक्ति, यहाँ की धरती में एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं भाई। देख सकते हैं यहाँ भी पूरा जो दिख रहा है ना ये सब पैरोट है, तोता है मतलब मिट्ठू। ये देखो सभी तरफ यार, मतलब यहाँ की भूमि में कुछ यही खासियत है बाबा की नगरी उज्जैन में। ये देखो ये देख सकते हैं, ये है यहाँ की। देख सकते हैं चारों तरफ यार, मतलब जहाँ पेड़ है ना वहाँ पे कुछ पक्षी, ज़्यादातर मिट्टू दिखाई दे रहा है। ये देखो और ये है स्टेशन। तो दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ का नज़ारा। ये है श्री महाकालेश्वर भक्त निवास। ये और मंदिर यहाँ से कुछ ही दूर में जो दिख रहा है ना झंडा वही है। तो चलिए थोड़ा सा और नज़ारा दिखा देता हूँ आप लोग को यहाँ का। ये देखो यहाँ की भूमि पे जैसे आप एंटर करते हैं तो कुछ अलग ही फीलिंग आ जाता है यार, पता नहीं मतलब कुछ अलग से शांति जैसा अनुभूति होता है। तो चलिए कुछ और दिखा दूँ आप लोग यहाँ का। ये रूट है महाकालेश्वर मंदिर के जाने का रास्ता, बाबा महादेव का। ये देखिए पब्लिक का, तो यहाँ देख सकते हैं फुल नज़ारा है। यहाँ पे अभी 11 बजे से लाइन लगेगा बस मारती के देखने के लिए टिकट। ये पूरा मॉर्निंग तक चलता करके बता रहे थे। ये देखो ये है मंदिर। ये देखो ये कुछ ऐसा नज़ारा है अभी नाइट में, ये देख सकते हैं। और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये देखो नज़ारा, ये है मेन मंदिर ये जो दिख रहा है ना वो, ये देख सकते हैं। जय श्री भगवान, जय श्री महाकाल का दर्शन यहाँ पे टीवी पे दिखा रहा है, देख सकते हैं। और लोगों की भीड़ इतना मानो यार, पूरा जन सलेब आ गया है वैसे लग रहा है। देखो इतना भीड़ इधर तो और कुछ अलग ही माहौल है। आरती देखने के लिए इतना लाइन लगा है बहुत यार यहाँ से। ये देखो ये बाबा महाकाल यहाँ पे दिखा रहा है बाबा भोलेनाथ, टीवी स्क्रीन में दिखा रहा है। हर महादेव, जय। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ज़्यादा प्रकाश की वजह से। जय श्री महाकाल। कुछ ऐसा माहौल है अभी यहाँ का। ये देखो पब्लिक देखो, इतना भीड़ लग गया अभी से, देख सकते हैं आरती के लिए। ये देखो के लिए, देखो भक्तों का भीड़। देखो ये देख सकते हैं भक्तों का भीड़। सुबह अभी 4:30 आई थिंक बजा होगा, और भीड़ को देखो। ऐसी एक लंबी लाइन पीछे भी है। 4 बजा है और लाइन लग के हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। ये देख सकते इधर पीछे में, मतलब सामने से लाइन लगा, इधर लाइन नहीं है। देखो ये कुछ ऐसा माहौल है सुबह 4 बजे, 4:30 बजे। और ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो अंदर से व्यू, ये मस्त व्यू। ये देखो लोग, अब यहाँ से फिर लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये दर्शन के लिए सभी देखो भागे दौड़े आ रहे हैं। ये होती है श्रद्धा प्रभु के लिए। चलो 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 जल्दी चलो, आ जाओ। धीरे धीरे आवाज़ नहीं लगे, धीरे साउंड वो मिल ही। हाँ अंदर से कुछ ऐसा माहौल है। जय श्री महाकाल, कुछ ऐसा भी अंदर से देख सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। चलो 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 अंदर से चलो। देखो भीड़ को देखो भाई, दौड़े जा रहे हैं सभी लोग दर्शन के लिए। एकदम सुपर पब्लिक है। और फिर देखो और आ ही रहे हैं। हर महादेव, ये ना सुबह। और देखो ये पब्लिक, ये देखो ये देखो ये देखो। चलो चलो जय हो महाकाल की, जय हो महाकाल की, जय हो महाकाल की, जय हो महाकाल की, जय हो महाकाल की। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये नमस्ते भैया, जय महादेव। चलो आराम से चलो, थक गया। ये अंदर से और ये चल रहा है आरती। ये यहाँ भी लगता होगा भाई, क्योंकि ये सब चीज़ है, चल रहा है अभी। आओ चलो। ये वो है मंदिर, मेन मंदिर वेटिंग एरिया बैठने का ही। और ये आप लोग बने रहिए, साथ आप लोग को भी दर्शन कराते हैं बाबा महाकाल को। ये लाइन इतना लंबा। हाँ चलो 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 नहीं सामने सारी ना, बस कुछ ही छोड़ो। और के तैयार हो रहा है, देख सकते हैं। ये सुबह का माहौल और बाबा भोलेनाथ का नाम और क्या चाहिए। चलो 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 चालू हो गया। ये देख सकते हैं। हाँ भी अंदर आने वाली आज जय श्री माता। चलो 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 अंदर से माहौल देखो भाई। चलिए अंदर आ जाओ। ये देखो यहाँ है, ये देखो सभी वेटिंग एरिया में लगे हैं। रास्ता ये है, बस उतना ही दर्शन हो पाया क्योंकि वहाँ अंदर अलाउ नहीं था मोबाइल वगैरह। फिर भी कोशिश करके बाबा भोलेनाथ का दर्शन दिखाया आप सभी को। सुबह के दर्शन के लिए भक्तों का भीड़। पिक्चर खींचने में लगे हैं। ये देखो, ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुबह का माहौल यहाँ का, जैसे जैसे सुबह हो रहा है वैसे पब्लिक का और भीड़ उमड़ गया है। देखो दर्शन करने के लिए, ये देख सकते हैं। मस्त नज़ारा यार, दो बार मस्त दर्शन करने के लिए मिल गया हमें।